आवाजों से बुजुर्ग माँ की नींद खुल गई। बेटा कह रहा था, मुझे मुंबई में नौकरी मिल गई है, मगर हम तीन, मैं, तुम और माँ, वहाँ नहीं रह पाएंगे क्योंकि कमरा छोटा है और दोनों जगह का किराया मैं नहीं दे सकता। तो क्यों ना माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दें। बुजुर्ग माँ भीगी आँखें लिए सोचने लगी। अभी साल भी नहीं हुआ है बेटे की शादी को और बहू ने उस पर अपना रंग चढ़ा दिया। इस बात के जवाब में बहू क्या कहेगी, वो तो खुशी होगी उसके मन की जो पूरी हो रही है। हे ईश्वर, मगर पति की बात सुनकर पत्नी बोली, नहीं माँ, और मैं यहीं रहेंगे, मैं पढ़ी लिखी हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतना तो कमा लूँगी कि मेरा और माँ का गुजारा हो जाए। और आपने तो बताया था कि माँ ने आपको लोगों के घरों में काम करके पढ़ाया था। सोचो अगर माँ भी आपको किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर अपना जीवन शुरू करती तो आज आप कहाँ होती। और फिर जब आप वहाँ सेटल होकर बड़ा कमरा ले लें तो हमें भी बुला लेना। वैसे भी माँ उस वृक्ष के समान होती है जो सिर्फ छाया ही नहीं फल भी देता है। माँ की आंखों में आंसू थे, उसे समझ आ रहा था कि उसे बहू में एक बहुत अच्छी बेटी मिली है। दोस्तों, कहानी का भाव यही है, सास बहू का रिश्ता भी माँ बेटी जैसा ही रिश्ता है। अगर दोनों तरफ से प्रेम और सम्मान देने की कोशिश हो तो सचमुच ये रिश्ता बेहद प्यारा है, जो घरों को, परिवारों को जोड़ने में महत्वपूर्ण कड़ी रखता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।